Welcome to Score High. I'm Arshita Agarwal, and in a current affairs analysis series, today we'll be discussing about what is the SAMADHAN challenge. तो हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स और डेवलपमेंट ने समाधान चैलेंज लॉन्च किया. तो हम पढ़ेंगे समाधान चैलेंज क्या है, किस लिए है. नाउ द इनोवेशन सेल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड द ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन दैट इज AICTE इन कोलैबोरेशन विद फोर्ज एंड इनोवेटिव क्यूरिस विच इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑन हेल्थ केयर एक्सपर्टीज launched a mega online challenge SAMADHAN to test the ability of students to innovate. तो हाल ही में जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का जो इनोवेशन चैलेंज है AICTE है और फोर्ज एंड इनोवेटिव क्यूरिस इनने मिलकर एक ऑनलाइन चैलेंज निकाला है SAMADHAN. ये किस लिए, कि स्टूडेंट्स की एबिलिटी देखने के लिए कि वो इनोवेट कैसे करते हैं. Now the interested students who want to apply for the SAMADHAN challenge can do it until April 14, 2020. So the last date is April 14, 2020. Now, जो official notification निकला है उसके according दो sections है SAMADHAN challenge के. The first section, also known as track 1, is called ideate, simulate and win. तो जहाँ पे applications बोले जाएंगी innovators से, educators और researchers से, even startup से, to share their ideas to solve the challenges posed by the pandemic. तो ये basically किस लिए है ये समाधान challenge, जो COVID-19 की problem है उसका कोई solution ला सके, कोई innovative तरीका ला सके कि इस pandemic को कैसे deal करे. तो जो first section है that is ideate, कोई idea लाना, उसको बनाना और फिर जीतना. The second section also known as track 2 called validate, pitch, deploy invites applications from student innovators, researchers, educators and startups with a working prototype of technologically advanced solution which can be validated and deployed immediately to support the fight against pandemic. तो उनको एक प्रोटोटाइप बनाना है जो टेक्निकली जो दिखता हो उसकी तरह सेम दिखता हो, वैसा एक वर्किंग मॉडल बनाना है ताकि वैलिडेट कर सके, उसे पिच करे और डिप्लॉय कर दे. तो ये है दो सेक्शन. नाउ इससे क्या होगा, द पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट्स विल सर्च एंड डेवलप मेजर्स अगेंस्ट कोरोना वायरस. तो जो पार्टिसिपेटिंग जो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सर्च करेंगे और डेवलप करेंगे मेजर्स कि कोरोना वायरस से कैसे लड़ें. दिस मेजर दिस पर्टिकुलर चैलेंज विल इंस्पायर स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी फॉर नोवल एक्सपेरिमेंट्स एंड डिस्कवरीज प्रोवाइडिंग अ स्ट्रॉन्ग बेसलाइन ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन. तो हमें पता है जो यंग माइंड्स होते हैं दे आर मोर एलिजिबल कि वो कुछ इनोवेट कर सके, तो उनके अंदर एक अलग भाव जनरेट करेंगे कि वो इनोवेट करें. द न्यूली डेवलप्ड मेजर्स कैन बी मेड अवेलेबल टू द गवर्नमेंट एजेंसीज, हेल्थ सर्विसेज, हॉस्पिटल्स एंड अदर सर्विसेज फॉर द क्विक सोल्यूशन ऑफ सच एपिडेमिक्स. तो इससे हमें क्विक सोल्यूशन मिलेगा इस एपिडेमिक के बारे में, और जो भी फैसिलिटी जो बनाएंगे और जो अप्रूव हो जाएगी वो और जगह प्रोवाइड करी जाएगी. The challenge will create awareness among citizens and motivate them to face challenges, prevent crisis and help them get livelihood. इससे और क्या होगा कि जो आगे challenges है उससे लड़ने की क्षमता आएगी, livelihood attain कर पाएंगे और awareness generate होगी, क्योंकि उसके बारे में पढ़ेंगे, research करेंगे, फिर develop करेंगे तो awareness generate होगी. Now the success of this program depends on the effectiveness of the ideas of participating contestants with the ability to find solutions technically and commercially. तो इसका सक्सेस किस पे डिपेंड करता है, कि वो कितना ज़्यादा इनोवेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, कितना पार्टिसिपेट करते हैं कंटेस्टेंट्स और सोल्यूशन ढूंढते हैं टेक्निकली कमर्शियली, विच एवर इज हेल्पफुल इन फाइटिंग दिस पैंडेमिक. नाउ अदर देन दिस, इंडिया इज ऑल्सो फेसिंग वेरियस चैलेंजेस टू कंटेन दिस वायरस. तो जो वायरस है वो हर टोपोग्राफी में अलग अलग तरह से फैला हुआ है. इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, पब्लिक हाइजीन काफ़ी पुअर है, दिस इज़ अ सेपरेट पॉइंट, पब्लिक हाइजीन बहुत बुरी है. तो वैसे ही जैसे पीपल हैव द हैबिट ऑफ स्पिटिंग एंड स्नीजिंग ऑन रोड, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए यूपी गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था सेल ऑफ पान मसाला, कि ऑब्वियसली लोग स्पिट नहीं करेंगे. नाउ दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द गवर्नमेंट टू कंटेन द वायरस. अभी प्रॉब्लम ये भी है कि जो इंक्यूबेशन पीरियड है, मतलब जो
time interval between a person being infected or showing symptoms. ये जो incubation period है, इसका भी accurately नहीं पता है कि ये coronavirus का क्या है. और एक और problem my country में कि जो fake news है social media से, वो बहुत ज़्यादा फैल रहा है और economy बहुत ज़्यादा badly affect हो रही है. So these are the challenges which the country is facing due to coronavirus. So this is all about the Samadhan challenge. If you have any innovative ideas, please go ahead and apply, because the last date of application is 14th April 2020. So this was all about this topic. We'll be meeting again with a new topic. Thank you so much.